तो अभी हमारा नंबर काफ़ी लेट है, तो ये गाड़ी धुलने के लिए है। तो ये यहाँ एक जलधारा होटल है, उसके साथ ही इनकी यहाँ शॉप है। बट हम इनकी एक इंसानियत देखेंगे कि मैं अब इनको बोलूँगा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आते जाते कभी दूंगा, ये क्या इनका रिएक्ट रहता है और क्या मुझे बोलते हैं। तो 500 रुपये ही है। कोई बात नहीं, आप मेरे काम से सेटिस्फाई हैं ना? नहीं, काम तो आपने बिल्कुल अच्छा किया भैया, बहुत बढ़िया काम। पर इंसानियत हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई मैकेनिक हमने देखे हैं कि 1 रुपया कम तो दूर की बात, कि अगर जैसे हमने बात आपको बोली कि हमारे पास नहीं है तो चौड़े भी हो जाते हैं कि काम ही कराने क्यों आए हमारे पास। धन्यवाद आपका, हमारा तो काम ही है, हम इसी काम के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलो चलते हैं भैया। ओके, राम राम जी। गाइज राम राम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम जो हमारी प्यारी है उसकी सर्विस करने के लिए हम सर्विस सेंटर गए हैं। तो हमारे स्थानीय मार्केट ही सर्विस सेंटर है, जो हमारे घर से 7-8 किलोमीटर की दूर पे ललित भाई का एक सर्विस सेंटर है। तो उनसे हमने परमिशन लिए कि कब उनके पास टाइम है, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। तो अभी का जो टाइम हुआ है 2 बजे, तो गाड़ी हमने लगाई है, वो अभी बिजी हैं। आपको बताते हैं कि आज किस तरीके से सर्विस और कितनी रफ़ एंड टफ रेटों में वो सर्विस करते हैं, जो उनकी सर्विस है बहुत अच्छी है। एक बार अगर आप यहाँ से जाते हो नाहन की ओर जाते हो तो नैना टिकर एक स्टेशन लगता है, और नैना टिकर से थोड़ा पीछे कुमारटी की साइड पे यहाँ जलधारा करके एक होटल है, उनके साथ ही उनकी शॉप है छोटी सी, और बहुत ही अच्छा उनका सर्विस है। अगर आप कभी आते जाते हो तो गाड़ी का भी वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी प्यारी के पास और वहाँ आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ सर्विस करते हैं, और जो कितना खर्चा उसमें होगा वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो लेट्स गो। गाइज़ हमने प्यारी को यहाँ लगाया है, तो ये काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो रिपेयर हो रही हैं और किसी की सर्विस भी हो रही है। तो अभी हमारा नंबर काफ़ी लेट है, तो ये गाड़ी धुलने के लिए है। तो ये यहाँ एक जलधारा होटल है, उसके साथ ही इनकी यहाँ शॉप है। तो अगर आप यहाँ से गुजरते हो NH नैना टिकर से, इस साइड से आप गुजरते हो, ये कुमारटी वाला रोड है जो कुमारटी को गया है। अगर यहाँ से आप नाहन की ओर आते हो तो ज़रूर, अगर कुछ भी आपके पास करवाने को यहाँ गाड़ी में ख़राबी हो तो ज़रूर एक बार आप यहाँ रुकें। गाइज़ अभी हमारा नंबर लगने वाला है, क्योंकि ये जो गाड़ी थी इनका कुछ काम रेडी हो चुका है, इनका काफ़ी टाइम है, ये 10 में लग गया है। तो अभी ये देखिए, ये ललित भाईजान अभी फ्री हुए हैं, तो अभी इसका एक टेस्ट ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि काम हो गया कि नहीं, उसके बाद हमारा नंबर लगेगा। जो हमारी प्यारी का काम था सर्विस का, वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैकेनिक साहब अपने काम में लग चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं, और प्यारी को उठा दिया गया जैक की सहायता से। काम करते हैं तो सब कुछ बताते भी हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे काम होता है और इसका काम यहाँ नहीं तो वहाँ होगा। तो ये बात भी इनकी हमें अच्छी लगती है। देखिए, खुद टायर खोल रहे, नहीं तो इनके पास हेल्पर भी है, उसकी भी मदद ले सकते हैं, बट नहीं, खुद काम करते हैं। अभी काम चला है, तो उसके बीच में टी टाइम अपना हो चुका है। तो ये काफ़ी हमने प्यारी का काम करवाया है और काफ़ी जगह हमने करवाया, पर कहीं वहाँ में हमारे को पानी के लिए भी नहीं पूछा गया कि आप पानी पियेंगे यहाँ, तो इधर सीधी चाय आई है, पानी चलो इन्होंने पहले पिला दिया था। तो मिलते हैं आपको टी टाइम के बाद। तो अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
एक लीटर कूलेंट जनरल चेकअप सारा और रखा। अच्छी ये हमारी लेबर है। अच्छी टोटल बिल बनता है 1300 रुपये। इसका प्रिंट ज़्यादा है वो देखा हूँ। अच्छा हाँ जी हाँ जी। हमारे पास जो प्यारी काम ने सर्विस करवाई थी क्या क्या हमने ये करवाया तो आपको हमने बता भी दिया है और इन्होंने बिल हमारे पास दे दिया है। तो एक छोटा सा प्रैंक समझो आप, इनसे हम इनका दिल हम देखेंगे कि इनको पैसों की कितनी लालसा है, ये इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा। हालांकि हमारे पास अभी पैसा सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम इनकी एक इंसानियत देखेंगे कि मैं अब इनको बोलूँगा कहते मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आते जाते कभी दूंगा, ये क्या इनका रिएक्ट रहता है और क्या मुझे बोलते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं। ये भैया तुरंत दूसरे काम में बिजी है। तो भैया हमारा कितना बिल बना था? 1300 रुपये। तो एक्चुअली भैया हमारे पास तो 500 रुपये ही है। कोई बात नहीं, आप मेरे काम से सेटिस्फाई हैं ना? नहीं, काम तो आपने बिल्कुल अच्छा किया भैया, बहुत बढ़िया काम। पर आप हमारे पास आ गए, बहुत बड़ी बात है, आप आते जाते फिर कभी दे। नहीं तो आप 500 रुपये तो पकड़ लो। अरे कोई बात नहीं, इसको बाद में ना, पैसे मैटर नहीं करता। अभी मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ, मैंने पूरा दिन यहाँ लगाया और पैसे नहीं दे पाया मैं। कोई बात नहीं, आप आते जाते कभी ना कभी आते जाते रहते। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, तो आते जाते दे दूंगा आपको। और ये देखो, ये आपका 3 लीटर की पैकिंग में है। हाँ जी, उसमें 3 लीटर पूरा नहीं पड़ता है तो ये बच गया, ये आपका है, इसको आप। तो इसका इसका मैं क्या करूँगा भैया? अभी आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे कहीं लीकेज हो जाए, तेल कम हो जाए। अच्छा जी, डालना अपने पास रखना। तो भैया ये हमने इससे पहले भी एक जगह सर्विस कराई तो वहाँ से तो हमें नहीं मिला ये। देखो अब ये उनका टेंशन है, अब उन्होंने आपको नहीं दिया वो, अब हम कुछ नहीं, लेकिन मेरा कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए। अच्छा जी, ये उनका हक बनता है। अच्छा जी, जो बच गया मतलब ये हमारा है। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास आ चुके हैं और आपने देखा इनका दिल कितना साफ है और इनका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्ट कैसा रिएक्ट करते हैं, अभी इनको देते हैं ये। आइए तो भैया लीजिए आपकी मेहनत। अरे यार आपको और भैया हम आपकी इंसानियत हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई मैकेनिक हमने देखे हैं कि 1 रुपया कम तो दूर की बात, कि अगर जैसे हमने बात आपको बोली कि हमारे पास नहीं है तो चौड़े भी हो जाते हैं कि काम ही कराने क्यों आए हमारे पास। ठीक है भैया, फिर चलते हैं हम तो। ठीक है भैया, देखो आपका काम जितना हमने करना था वो कर दिया है। हाँ जी, कुछ उसमें रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, वो मैंने गाड़ी इसके बिल के आपके ऑपोजिट साइड लिख रखा है। अच्छा जी, ये सामान आपने लेके आना है। अच्छा, जैसे क्या क्या सामान लाना पड़ेगा मुझे? ये स्पीडोमीटर वायर है। अच्छा, उससे आपका मीटर चल पड़ेगा। हाँ जी, ये कमानी के बुश है पीछे डलेंगे। हाँ जी, फ्रंट बुश किट है। अच्छा, एयर फिल्टर की पाइप है। अच्छा, पिछले शॉकर है। अच्छा, और एक लीवर किट है। अच्छा, ये सामान आपने लेके आना, उसके बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिल्कुल ओके। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके जी, ओके, अपना कीमती टाइम देने के लिए बड़ा धन्यवाद। चलो आपने दिया जी हमें कीमती टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा तो काम ही है, हम इसी काम के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलो चलते हैं भैया। ओके, राम राम जी। प्यारी की सर्विस हमने करा दी, आपको बता दिया कि कितना हमारा उसमें खर्चा हुआ है और सब कुछ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ललित भाई ने, जो भी आपने देखा है पूरे तसल्ली से इन्होंने काम किया है और जो भी जायज़ रेट था वो हमें लगाया। आपने देखा है कि दिल के भी बहुत साफ है। एक बार हमने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है तो देखिए कितने प्यार से इन्होंने कहा है कि चलो कोई बात नहीं, चलते फिरते नेक्स्ट टाइम दे देना। तो आपको लोकेशन भी इनकी मैं डाल दूंगा और मैंने बता दिया पहले भी, आपने थंबनेल में देख ही चुके हैं आप। तो ये जलधारा एक होटल है, यहाँ होटल के साथ ही इनकी शॉप पड़ती है। अगर आप यहाँ होटल में भी आते हो तो यहाँ आप रुक सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ इनसे सर्विस ले सके। एक बार यहाँ काम करवा के आप देखिए, आपको बिल्कुल ही तसल्ली मिलेगी। तो अगर आप कुमारटी से नाहन की ओर आते हैं तो नैना टिकट स्टेशन के पीछे जलधारा करके एक होटल पड़ता है, वहाँ इनकी शॉप है, आप आइए। अगर कुछ भी आपके गाड़ी में खराबियाँ, कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इनको दिखाइए। ये वॉशिंग का भी इनका बहुत अच्छा काम है, उसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कितनी टॉप क्लास ये वॉशिंग करते हैं और अच्छे दामों में करते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता ही पानी की भी काफ़ी किल्लत हो चुकी है काफ़ी जगह, तो इन्होंने अभी तक रेट वही इनके अच्छे रेट है जो पुराने, जो बरसात में भी जैसे रेट होते हैं वॉशिंग के। एक बार आएँ इनसे सर्विस लें। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। राम राम।